हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएस एडिटिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के फोटो एडिटिंग के बारे में आपको स्टार्ट में पता चली गई कि आज हम किस टाइप के यहाँ पर फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो गाइस, आज का हमारा फोटो एडिटिंग वीडियो यहाँ पर स्नैपचैट फोटो एडिटिंग पर होने वाला है। तो गाइस, इस टाइप की फोटो एडिटिंग को सीखने के लिए आपको सभी स्टेप यहाँ पर कम्प्लीटली फॉलो करने होंगे। तो गाइस, अभी तक आपने एमएस एडिटिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। इससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर अपने स्नैपचैट ऐप के अंदर आपकी फ़ोटो को इंपोर्ट करना है। तो गाइस, स्नैपचैट ऐप को आप प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से भी आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, आपको यहाँ पर सबसे पहले फोटो इंपोर्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर पेंसिल वाले टूल्स पर चले आना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको ऊपर ट्रू इमेज वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कॉर्नर पर, आपको यहाँ पर आना है। और यहाँ से आपको कुछ सेटिंग्स है जिसको आपको यहाँ पर प्रॉपर समझना है, और आपको जो सेटिंग मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ उसी तरीके की आपको सेटिंग यहाँ पर अपनी फ़ोटो पर अप्लाई करनी होगी। तो गाइस, आपको यहाँ पे ब्राइटनेस को थोड़ा सा यहाँ पे +10 या +15 के आसपास इंक्रीज़ कर देना है। कॉन्ट्रास्ट में आपको कोई चेंज नहीं करना है यहाँ पे। सेचुरेशन वाले पार्ट को आपको बिल्कुल यहाँ पे -100 कर देना है। एम्बियंस वाले ऑप्शन है, इसको भी आपको -25 के आसपास इसको सेट कर देना है। हाईलाइट को भी आपको यहाँ पे -25 के आसपास इसको सेट कर देना है। शेडो को आपको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देना है 25 के आसपास। और वार्म को आपको यहाँ पे हल्का सा आपको यहाँ पे -15 के आसपास सेट कर देना है। और यहाँ से आपको एक बार राइट डन कर देना है। राइट डन करने के बाद में गाइज, हमारी फ़ोटो यहाँ पे प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। तो गाइज, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एडिट स्टैक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ये वाला, आपको यहाँ पर इसको टैप करना है। और यहाँ से आपको व्यू एडिट्स पर चले आना है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ट्रू इमेज वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपको आना है। और यहाँ से आपको मिडिल वाला ऑप्शन है पेंसिल टाइप का, तो आपको इस पर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में गाइस, आपकी फ़ोटो पहले की तरह यहाँ पर हो जाएगी। और आपको यहाँ पर सेटिंग में इसको कोई चेंज आपको यहाँ पर नहीं करना। आपके यहाँ पर ट्यून इमेज सेटिंग आपकी 100 है तो आपको इसको 100 रख देना है। और आपकी फ़ोटो को यहाँ पर जूम आउट करना है। जूम करने के बाद में आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पर ड्रॉ करना है, इससे आपका बैकग्राउंड यहाँ पर प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट ड्रॉ होने लगेगा, जो हमने यहाँ पर सेटिंग में अप्लाई किया था। तो इस स्टेप से आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है आपके बॉडी पार्ट को छोड़कर। तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको ड्रॉ करने में थोड़ा ध्यान रखना है, आपको आपका बॉडी का पार्ट यहाँ पे इसको इरेज नहीं करना। अगर आप बॉडी पार्ट इरेज कर दोगे तो आपकी फ़ोटो भी यहाँ पे अच्छे तरीके से एडिट नहीं हो पाएगी। तो आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, केवल आपके बैकग्राउंड वाला पार्ट है उसको आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है कुछ स्टेप्स से। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे फास्ट तरीके से कर लेता हूँ ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो पाए। तो गाइस, हमने यहाँ पे अपने प्रॉपर तरीके से बैकग्राउंड को ड्रॉ कर लिया है ब्लैक एंड वाइट में। तो आपको यहाँ से एक बार इसको राइट डन कर देना है। राइट डन करने के बाद में गाइस, आपको यहाँ से बैक चले आना है बैक वाले बटन पर। इसके बाद में आपको वापस पेंसिल वाले टूल्स पे आना है। यहाँ पे आने के बाद में हम आप यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, थोड़ा सा और इसमें ब्लैक एंड वाइट में अलग कलर में इसको टोन में चेंज करेंगे, जिसमें हमारा ब्लैक एंड वाइट टोन बेटर तरीके से यहाँ पर एडिट हो पाए और आपकी फ़ोटो भी यहाँ पर अच्छी लगे। क्योंकि प्रॉपर तरीके से सब इस टाइप की फ़ोटो तो सभी एडिट कर पाते हैं, तो हम थोड़ा यहाँ पे यूनिक तरीके से एडिट करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको विंटेज वाला ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा HDR स्केप के नीचे। तो आप गाइस, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इफेक्ट से 10 नंबर वाला इसको अप्लाई करना है। इसमें भी आपको कुछ सेटिंग्स यहाँ पर अप्लाई करनी है। ब्राइटनेस को आपको थोड़ा सा यहाँ पे 25 के आसपास इंक्रीज़ कर देना है। सेचुरेशन आपको थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ा देनी है इसकी, तो हम यहाँ पे सेचुरेशन को +10 के आसपास इंक्रीज करेंगे। स्टाइल स्ट्रेंथ भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो कितना यहाँ पे चेंज हो रहा है हमारा बैकग्राउंड। तो आपको स्टाइल स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको 45 के आसपास यहाँ पे आपको 40 के आसपास इसको रख देनी है। और ये क्या है, विंटेज स्ट्रेंथ को भी आपको यहाँ पे कम करोगे तो आपके बैकग्राउंड थोड़ा, तो आप विंटेज स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको +18 के आसपास करना, यहाँ पे आपको +20 के आसपास सेट कर देना, बाकी हम लास्ट में इसमें चेंज कर देंगे। तो आपको इसको यहाँ से एक बार इतना चेंज करने के बाद में आपको यहाँ पे इसको यहाँ से राइट क्लिक करना है।
राइट क्लिक करने के बाद में गाइस आपको वापस ये व्यू एडिट स्टैक वाला ऑप्शन था, इस पर आपको वापस टैप करना है और यहाँ से आपको व्यू एडिट्स पर चले आना है। यहाँ पे आने के बाद में वही आपको विंटेज वाला टूल्स और वही आपको सेम प्रोसेस यहाँ पे फिल करनी है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे सब इफेक्ट्स वही डालना था आपको बैकग्राउंड पे, तो आपको सिंपली स्टेप्स यहाँ पे बैकग्राउंड पे ड्रॉ करना है। जैसा हमने पहले वहाँ पे अपने ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड ड्रॉ करा था, उस स्टेप से आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो, आपको प्रोसेसिंग तो समझ में आएगी फर्स्ट स्टेप में कि आपको किस स्टेप से ड्रॉ करना है। तो गाइस यहाँ पे भी हमने बैकग्राउंड को ड्रॉ कर लिया और आपको यहाँ से इसको राइट डन कर देना है। राइट डन करने के बाद में आपको वापस बैक आ जाना है। अब हम यहाँ पे जो टूल्स यूज करने वाले हैं वो है सेलेक्टिव वाले टूल्स। सेलेक्टिव वाले टूल्स पे जाना है, इससे हम अपने फेस को थोड़ा सा ब्राइट करेंगे। तो आपको ये अपने फेस के ऊपर सेलेक्ट कर लेना कुछ स्टेप से और आपको सर्किल में अपने फेस को ले लेना है और ब्राइटनेस को आपको यहाँ पर बढ़ाना है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम करना है, सैचुरेशन को भी थोड़ा सा यहाँ पर कम करना है और स्ट्रेंथ को आप अगर बढ़ाते हो तो आपकी फेस की डिटेल्स वो अच्छी तरीके से शो होगी। अगर स्ट्रेंथ को आप कम करते हो यहाँ पर तो स्ट्रेंथ से आप कम करने से आपके फेस में स्मूथनेस आ जाएगी। तो अगर आपका फ़ोटो बेटर क्वालिटी में नहीं है, अगर आपके फ़ोटो अच्छी क्वालिटी में नहीं हो पाए तो आप यहाँ पे स्ट्रेंथ को कम कर देना है, जिससे आपका फेस यहाँ पे स्मूथ हो जाएगा, जिससे आपके क्या है कि फ़ोटो का पिक्सल यहाँ पे फटेंगे नहीं और अच्छी क्वालिटी में आपकी फ़ोटो यहाँ पे एडिट हो पाएगी। तो यहाँ पे मैं 10 के आसपास रख लेता हूँ इसे और अपने हाथ वाले पार्ट पर भी मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो गाइस देख सकते हो हमारी फ़ोटो यहाँ पे अच्छे तरीके से कितनी शानदार तरीके पे एडिट हो चुकी है और अच्छा इफेक्ट हमारी फ़ोटो यहाँ पे आ रहा है। इस इतना करने के बाद में गाइस आपको यहाँ पे विंटेज विग्नेट वाले ऑप्शन पे चले आना है यहाँ से आपको, और ये सर्किल है इसको आपको कुछ स्टेप्स अपने फेस तक ही अप्लाई करना है केवल, और आउटर ब्राइटनेस को आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे 72 के आसपास सेट कर देना और इनर ब्राइटनेस को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देना है और यहाँ से आपको राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद में फ़ोटो में हमारा थोड़ा और चेंज यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में आप डिटेल्स वाले ऑप्शन पे जाना, थोड़ी सी हमारी फ़ोटो में यहाँ पे डिटेल्स में हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो डिटेल्स में आपको स्ट्रक्चर को +40 के आसपास करना और शार्पिंग भी हल्की सी यहाँ पे बढ़ा देना और इसको राइट क्लिक कर देना। अब देख सकते हो गाइस हमारी फ़ोटो यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से फेस भी हमारा अच्छा तरीके से यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है, हमने यहाँ पे एडिट कर लिया। अगर आप भी कुछ इसमें थोड़ा और चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने इस फोटो के अंदर रेड कलर की शेडो अप्लाई करना चाहूँगा, जिससे हमारी फ़ोटो और अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखे। तो आपको पेंसिल वाले टूल्स पे जाना है और डबल एक्सपोजर पे क्लिक करना है, यहाँ से फ़ोटो को आपको अपलोड कर लेना है। तो हमारी फ़ोटो कुछ इस टाइप की यहाँ पर होने वाली है। तो गाइस ये रेड कलर की शेडो पीएनजी से जिसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे अपने ऊपर की तरफ कुछ इस टाइप से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद में आपको यहाँ पर मिडिल वाले ऑप्शन पर चले आना है यहाँ से, और यहाँ से आपको इसको लाइटन पर कर देना है। लाइटन पर करने के बाद में ये ऊपर देख सकते हो आप जिस एंगल पे इसे सेट करना चाहो वहाँ पे आप इसे सेट कर सकते हो। तो मैं इसे कुछ स्टेप्स यहाँ पे सेट कर देता हूँ और इसकी अगर आपको ओपेसिटी बढ़ानी है तो आप बढ़ा के भी देख सकते हो। तो हम यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को केवल इतना ही रखेंगे जिससे हमारे रेड कलर की शेडो अच्छा इफेक्ट डाले। तो देख सकते हो हमारी फ़ोटो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। तो आपको यहाँ पर जाना है और आपकी फ़ोटो को यहाँ पर सेव कर लेना है। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो एडिटिंग का तो वीडियो को लाइक जरूर करना और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करना और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।